हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी कार्स की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करवाने वाले अपनी कार का हेडलाइट अपग्रेड। तो उसमें क्या कुछ होने वाला है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से जानकारी लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो ये हम आ गए थोड़ा सा नाइट मोड की तरफ। हेडलाइट पर अपग्रेडेशन है तो ये दिखाना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम चल रहे हैं सिंगल लेन रोड पे, तो ये स्टॉक हेडलाइट है स्टॉक बल्ब के साथ। तो हम हेडलाइट के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस इसका बल्ब चेंज करेंगे। वो इस वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं। तो इसका रिस्पांस अभी कुछ ऐसा है जो कि बहुत कम है। नॉर्मल सिटी के लिए है ठीक है, हाईवे के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और सामने से अगर कोई लाइट आता है तो विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो नहीं, 5-10% रहता है, लेकिन वो कोई किसी काम का नहीं रहता, एकदम बेकार हो जाता है। तो आज हम करवाने वाले हैं इसको अपग्रेड। अपग्रेड करने के बाद क्या रिस्पांस मिलता है वो देखेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये योनो मिंडा का हमारा रिले रहने वाला है जिसको हम लगाने वाले हैं अपनी कार पे। और ये लुमैक्स का बल्ब, जो कि बल्ब है 9000 बल्ब है, और इससे पहले स्टॉक लगा हुआ रहता है 5560 का। तो इसका प्राइस 222 रुपये आपने बॉक्स में देख ही लिया है, हमें पड़ा 200 रुपये का एक बल्ब। तो ये हम लगवा रहे हैं अपनी कार में। हमारे पास फ़िलिप्स का भी ऑप्शन था, फ़िलिप्स H4, तो ये भी वही 9000 वाला बल्ब है। इसका भी प्राइस सेम है, 210-220 के आसपास का ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको बस हम रिजेक्ट इसलिए कि क्योंकि ये मेड इन चाइना है और वो है कोरियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। तो ये तो नॉर्मली देखते ही है सारी गाड़ियों में, वो नया आया हुआ था मार्केट में। तो चलिए उसको देख लेते हैं इंस्टॉल करवा के। तो ये देख सकते हैं हमारा बल्ब खुल चुका है, अब ये लगा रहे हैं हम अपने कार पे। तो जिनको नहीं पता है, हमारे पास है वैगनार 2020 1.0 VXI मॉडल। तो ये आप देख सकते हैं इस पर ओसराम का बल्ब है, जो कि हमने कंपनी से चेंज करवाया था, वारंटी में थी, फर्स्ट सर्विस में ही चेंज हो गया था हमारा बल्ब, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में दे दूँगा वो लिंक, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, नॉर्मल सा पीछे कैप रहता है, उसको ओपन करके आप बल्ब खुद से भी लगा सकते हैं। लेकिन हम आ गए तो यहाँ पे एक भैया जान पहचान के ही थे, तो वो बोले कि हम इंस्टॉल कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनसे ही करवा ले रहे हैं। तो सिंपली इधर का भी बल्ब खुल गया, और ये देख लेते ये किस कंपनी का है। ये आप देख सकते हैं जगन कंपनी का 5560 का बल्ब है, जिसका रिस्पांस तो आपने देख ही लिया। कपलर लग गया।